एक पासे पर दो का गुणज एवं दूसरे पासे पर तीन के गुणज पाए जाने की संभाव्यता क्या होगी यदि दोनों पासे एक साथ फेंके जाते हैं। देखो, एक पासा जो है एक साथ फेंका जाता है, एक बार फेंका गया तो छह आया, दूसरी बार फेंकेंगे तो उसकी प्रायिकता यानी टोटल आउटकम, टोटल आउटकम आउटकम क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना जाएगा 36, ये टोटल आउटकम हो गया। ठीक है, एक बार अच्छा दूसरी बार फेंका तो यानी स्क्वायर, आप इसको डिटेल में बताऊंगा अगर तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 36 है। अभी देखो, अभी हमें जो है फेवरेबल जो आउटकम है उसको निकालना है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हम जब निकालते हैं तो यानी अगर दो दो का गुणज है ना, दो का, तो सबसे पहले हम दो ही लेते हैं, दो है तो एक तीन होगा, तीन गुणज, दूसरा दो है ना चार होगा, छः होगा, चार नहीं छः होगा। ठीक है, ये दो है ही, दो गुणज छः जो है तीन का गुणज है। उसके बाद तीन लेता हूँ, तीन है ये दो होगा। ठीक है, उसके बाद तीन है एक ये तीन है, तो दूसरा क्या होगा छह होगा, छह होगा। ठीक है, अब देखो इसी तरह से हम यहाँ चार लेते हैं, दो का गुणज, दो का गुणज चार, ये तीन हो गया। ठीक है, इसका रिवर्स भी होगा, तीन चार हो गया, फिर चार है, चार है तो छह हो गया, छह हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम ले सकते हैं यहाँ छह है, छह छह है दो का गुणज, तो एक छह है और एक यहाँ हम आप जो है तीन, ये दो का है तो यहाँ तीन लेंगे। ठीक है, छह है, छह है तो हम यहाँ दो ले सकते हैं, छह है तो दो लेंगे, अगर ये तीन गुणज है तो दो है का है। फिर उसके बाद छह है और इच्छा है। ठीक है, और उसके बाद एक और बन जाएगा, अगर यहाँ छह है तो ये, अगर ये दो का है ये चार, यह अगर छह तीन का है तो चार दो का, यहाँ चार दो का तो छह तीन का गुणज। तो टोटल जो है टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, टोटल एलिमेंट्स आप गिन लीजिए कितने हुए इसमें, टोटल एलिमेंट्स हैं तीन, तीन छः, तीन नौ, दो ग्यारह, टोटल हुए 11। ये फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो हमें निकालना था क्या, संभाव्यता निकालना है। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो पी जो निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो सिंपल वे से जो आउटकम्स हैं वह अपॉन टोटल आउटकम्स 36, 11/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ इसमें 11/36, यानी कि सी, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। डिटेल में करेंगे तो बड़ा लंबा है। ठीक है,